भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला ओडीआई खेला गया, जिसमें भले ही टॉस कोई भी जीता हो, लेकिन दिल तो मोहम्मद शमी ने जीता जब उन्होंने पहला विकेट सस्ते में चलता कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ से पुष्पा वार्नर झुकने को तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उनका एक कैच श्रेयस अय्यर के पास आया और फिर क्या, पुष्पा भाऊ बोले गणपति बप्पा मोरिया, इधर अय्यर भाऊ बोले ले कैच मैंने छोड़ दिया। अब देखो होने को तो ये प्रैक्टिस मैच जैसा है, लेकिन ऐसे ऐसे सिंपल मौके छोड़ के आप ऑस्ट्रेलिया वालों को कह रहे हो कि आओ हमारी पिच पे खेलो और थोड़ा हमारी पिचों का अंदाजा लगा लो और वर्ल्ड कप में हमें पेल के जाओ। खैर भारत ने कैच टपकाए तो ऑस्ट्रेलिया वालों के ये बात दिल पर लग गई और वो खुद भी कैच टपकाने लगे, क्योंकि वो किसी से कम थोड़ी है यार। और उन्होंने भी पहले ऋतुराज का और फिर केएल राहुल का कैच छोड़ा, लेकिन 270 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम का बैलेंस बिगड़ने लगा। लेकिन ईशान किशन ने कहा टाइगर अभी मुर्दा है, सूर्या ने कहा टाइगर अभी जिंदा है, और बस फिर क्या, पिक्चर की हैप्पी एंडिंग।